दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा बोला जाता है कि कौन सी भी चीज़ को आपको कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। ऐसे ही कुछ बात यहाँ पे आज की डेट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो रही है। जैसे ही कुछ 2-3 महीनों पहले कोरोना वायरस आया है, तो उसके बाद यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कुछ चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो अपनी कंट्री बाहर की कंट्री में ले जाने भी नहीं दे रही है। स्पेशली नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा सैनिटाइजर्स। दूसरी बात आती है दोस्तों क्लोरोक्विंस, एंटी मलेरिया ड्रग की बहुत बड़ी कैटेगरी है क्लोरोक्विंस। इसके बारे में और सैनिटाइजर्स के बारे में मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हम सब लोग हमेशा बोलते तो है कि हम सब लोग एक ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब घर के सामने हमारे दुश्मन खड़ा होता है तो अपना अपना हर किसी को पड़ता है। ऐसे ही कुछ बात यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और इंडिया के साथ हो रही है। कोरोना वायरस जब चाइना में था तब किसी को ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे ही चाइना से कोरोना वायरस इंडिया में आया और इंडिया में 700 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे उसने इन्फेक्ट किया, तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की भी आँखें खुल गई और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको पहले कोई पूछा भी नहीं जाता था, या फिर जिन चीज़ों की डिमांड किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा हो सकती है, उन चीज़ों को आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। यूके सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया से पैरासीटामोल का ड्रग, और यहाँ पे यूके में सबसे ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है पैरासीटामोल की, क्योंकि इंडिया में यहाँ पे एक्सपोर्ट जो होता है पैरासीटामोल का इसको रोक दिया है। हालांकि इसका रीज़न ये था कि लॉकडाउन 21 डेज के लिए, लेकिन अल्टीमेटली गोल तो यही था कि इंडिया की एक्सपोर्ट रुकान है, और इंडिया में जितने भी सारे जो ड्रग बनते हैं वो बाकी कंट्री में जाकर बहुत अच्छी खासे अमाउंट में जाकर बिकते हैं, और जिसका फ़ायदा इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को होता है। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रोक देना ये अल्टीमेटली गोल था जिसमें इंडियन गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो पाया। दूसरी बात आ रही दोस्तों क्लोरोक्विंस के बारे में। अब जब आपको मलेरिया होता है दोस्तों, तो डॉक्टर आपको नॉर्मली क्लोरोक्विन फैमिली के ड्रग्स ही देते हैं। आज की डेट में ऐसा बोला जा रहा है कि COVID-19 यानी कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे एंटी मलेरिया ड्रग आपको यूज़ किया जा सकते हैं, और इस वजह से जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्लोरोक्विन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्लोरोक्विन का जितने भी सारा प्रोडक्शन हो रहा था और जिस प्रोडक्शन को यहाँ पे फॉरेन में जाने वाला था उस सारी प्रोडक्शन के ऊपर बैन लगा दिया। क्योंकि अगर हमारे घर के लोगों के लिए यानी इंडिया के लोगों के लिए अगर क्लोरोक्विन नहीं बचेगा तो बाकी कंट्री में जाकर प्रॉफिट लेकर हम क्या करेंगे। ये बात होती है दोस्तों हमेशा डिमांड की, ये बात होती है दोस्तों हमेशा हर एक चीज़ की। जब क्लोरोक्विन हमेशा बनता था, इससे पहले भी क्लोरोक्विन का बहुत ज़्यादा सप्लाई किया करते थे हम इंडिया जैसी कंट्री, लेकिन तब किसी ने पूछा भी नहीं था क्लोरोक्विन की इतनी ज़्यादा डिमांड होगी और क्लोरोक्विन को हमें बैन करना पड़ेगा एक्सपोर्ट के लिए। ये बात तो हो गई क्लोरोक्विन के बारे में। अगली बात और एक बात यहाँ पे आती है सैनिटाइजर्स के बारे में। हम सब लोग को बताया कि सैनिटाइजर की कीमत इंडिया में बहुत कम रेंज के ऊपर मिलता था, लेकिन जैसे ही COVID-19 का आउटब्रेक हुआ तो उसके बाद सैनिटाइजर्स की वैल्यू या फिर सैनिटाइजर्स की प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसके बाद आज की डेट में तो कंडीशन ऐसी कि ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन स्टोर्स में आपको सैनिटाइजर मिलता है। तो ऐसी केस में बहुत ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट हो रही है, और ये चीज़ें होती है दोस्तों डिमांड की, ये चीज़ें होती है हर एक चीज़ की। यही बात होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कि जब इंसानों के ऊपर कोई खतरा आता है तो हम सब लोगों को यहाँ पे इस दुनिया याद करती है, लेकिन जैसे ही खतरा टल जाता है तो हम सब लोगों को लोग भूल भी जाती है। ये अल्टीमेटली बहुत बड़ा सच है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, और इसी के लिए हम सब लोग, मैं खुद इस चैनल के माध्यम से काम कर रहा हूँ इंडिया के कुछ लोगों के लिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आना चाहती है। पैसे के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चैनल अगर बड़ा हो जाए, अगर इस चैनल को कहीं ना कहीं इंडिया में थोड़ी सी पॉपुलरिटी या फिर थोड़ी सी रिकग्निशन मिल जाए, उस वजह से अल्टीमेटली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी यहाँ पे एक्सपोजर मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं आगे बढ़ जाऊँ लेकिन ये इंडस्ट्री पीछे रह जाए, तो इस वजह से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया, और मेरा ये वीडियो बनाने का वही मकसद है कि आप सब लोगों के लिए ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप कभी भी आ जाओ, कल आओ, 2 साल बाद आओ, 4 साल बाद आओ, आपका स्कोप हमेशा रहेगा। यहाँ पे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिलेगी, चाहे COVID-19 आए या फिर चाहे COVID-19 जाए, आपका स्कोप वैसे की वैसे ही रहेगा। COVID-19 आने से पहले भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लोगों की जॉब सिक्योर थी, उसके आने के बाद भी सिक्योर है, और उसके जाने के बाद भी सिक्योर ही रहेगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री कभी मरती नहीं है। ये इंडस्ट्री दिन रात लोगों के लिए काम करती है, और इस वजह से मैं वीडियो आप सब लोगों के लिए शेयर करना चाहता था। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में जैसा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ें कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।